नागरिकता तो प्राप्त है। आसाम में अभी इससे पहले हुआ था, आसाम में मुस्लिम ज़्यादा गैर मुस्लिम हुआ। प्रदेश में ये बलात्कार घटना पर रहे हैं, इस पर घटना होगा, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं नया साल के ऊपर माननीय सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को नया साल के बहुत बहुत मुबारकबाद भेजता हूँ पार्टी की तरफ से, मैं पर्सनल अपने भी तरफ से। और जिस तरह से मोदी सरकार में ये कानून नियम का कोई चीज़ नहीं है, जब बरेली मैं पहुँचता हूँ आला हजरत के दरगाह पे और वहाँ से कुछ अपना मुरीद भाई के कहाँ दावत खाने जाता हूँ, तो पीलीभीत का इस तरह से रोड है और इस तरह से रोडवेज की हालात है कि महिला को भैंसा बकरा समझ के वो लाते हैं रोडवेज के अंदर। परिवहन मंत्री को चाहिए हर बसों के ऊपर जांच करना और जो दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें और महिला को सुरक्षित रखें। एक तरफ से वो ये बताते हैं बेटी जो भी मुल्क की है कोई सुरक्षित नहीं है, 18 साल बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, हर नागरिक बेचारे परेशान हैं। और पीलीभीत के रोड जो आपको भलतोर विधायक है, इतनी विकास के जो रकम आया, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है वो अपनी विधायकी निधि को ये हिसाब लें और उसको विधायकी से बर्खास्त करें। तो जो कि विधायकी निधि आता है जनता के काम करने के लिए, जो कि अपने कोठी बना के रखे हुए हैं पूरे बरेली में, और हर तरह से रोडवेज परिवहन निगम ने सब रिश्वतखोर बैठे हैं कि जो महिला की इस तरह से लादते हैं जैसे भैंसे की तरह लाद रहे हैं। लेडीज़ का सीट पे जेंट्स बैठा है और जेंट्स लेडीज़ बेचारी खड़ी होकर जा रहा है और बाद में चालक ये कहता है कि तुमको बैठना है बैठो हो दो। मैं एक दिन अपनी आंखों के सामने देखा, मैं एक दावत खाने गया था एक दोस्त के कहाँ, वो दावत का जब लिख रहा तो मैं एक बस पे यात्री बनकर मैं ही बैठा, देख के बेचारी महिला सब लटक रही हैं। जबकि नियम कानून प्रशासन से प्रमुख सचिव कहाँ से ही आदेश है कि विधायक का पत्रकारों का एक सीट वीआईपी अलाट होते हैं और उसमें कोई इसी तरह से कानून व्यवस्था कोई नाम का चीज़ नहीं है। कानून बिल्कुल ये किए हुए हैं, इसके ऊपर तवज्जो दो योगी आदित्यनाथ और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और परिवहन निगम जो मंत्री स्तर मौजूद वर्तमान में हैं, हर चालक से और आईटीओ से तत्काल इनकी कार्रवाई करें और नहीं तो इसके आंदोलन मैं जंतर मंतर पर करूँगा। जिस तरह से अपनी आंखों से यह बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है, जो एक महिला बेचारी को भी पढ़ने जाती है वो मजबूरन में उसमें गरीब हो, एक तरफ से वो किराया मांगते हैं 85 रुपया, एक तरफ से बरेली से किराया पीलीभीत के मिलते पीलीभीत का 75 रुपया और उधर से कहते हैं बैठना बैठो या ना बैठो। तो किराया सिर्फ सरकारी एक होती है, इससे पहले मेरे भी 10 साल सरकार था, इस तरह से बुरी हालत नहीं था जो इस वर्तमान में ये हो रहा है। कानून कोई नाम की चीज़ नहीं है। ये जो बिल पास हुआ है ये बिल पूरे मुल्क में हर अल्पसंख्यक विभाग में जो भी मुस्लिम हो उनको नागरिकता प्राप्त देनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि अमित शाह सिर्फ ये खुल के कहते हैं कि सिर्फ जांच मुसलमान को, ये जांच तो पूरे कम की होती है, सिर्फ मुसलमान इसमें जात पात के बंटवारे क्यों कर रहे हैं। ठीक है बिल पास किए हैं उसके लिए कोई मुसलमान घबरा नहीं रहा, पूरे कौम का मुसलमान अल्लाह का सहारा और दिल का मजबूत है। लेकिन जिस तरह से आसाम में ये पूरे नागरिक को परेशान किए हैं, बांग्लादेश में परेशान किए हैं, जो भी बाहर का है वो मुसलमान अपनी कागज़ तैयार कर लगा, जो भी कागज़ के नियम कानून रखे हैं उसको नियमों को पालन किया जाएगा। लेकिन एक तरफ से अमित शाह ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को जाँच होगा, ये क्यों कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान को जाँच, तो पूरी कौम को होनी चाहिए जिसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हरिजन हो, समरन हो, किसी जात का हो, उसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। ये बिल पास हुआ है, इससे आपको सहन है? बिल पास हुआ है कागज़ के लिए, जिसको तैयार नहीं है वो हर मुसलमान पूरी कौम अपनी कागज़ तैयार करेंगे। लेकिन वो तो सिर्फ ये लफ्ज उठाते हैं कि अमित शाह ने कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए जांच होगी, इसमें सिर्फ मुसलमान कहाँ से आ गया, इसमें तो पूरे कौम है, हर कौम के नियम रखे ना, एक मुसलमान क्यों रखे हैं? नहीं इस तरह से तो मैं खुश नहीं है, जो संविधान चल रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रहे हैं, ये संविधान को सिर्फ तोड़ रहे हैं, संविधान जो चल रहा है संविधान के मुताबिक काम करें ना। उनको इसलिए विदेश मंत्री नहीं बना के बैठाया गया था, नागरिक ने बना के बैठाया है।
वो खुद नहीं बैठे हैं, जनता वोट दिया तब वो जीत गया है, अपने से नहीं जीत गए हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह भी थे, माननीय मंत्री जी भी थे, वो इस तरह से नहीं किए।